बेटी का विवाह किसी भी अभिभावक के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों के लिए तो बेटी की शादी करना पहाड़ का बोझ उठाने जैसा होता रहा है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों की शादी का जिम्मा अपनी सरकार पर डाल दिया है। सीएम योगी के कार्यकाल में 2 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हो चुका है। यह सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को गोरखपुर में 255 बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य आयोजन महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। आयोजन में जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में 9 दंपतियों को आशीर्वाद देंगे। मौके पर ही वर वधु पक्ष से आमंत्रित लोगों का सहभोज भी होगा। वर वधु पक्ष को सुबह 9 बजे आमंत्रित किया है। गुरुवार को आयोजन स्थल पर पंडाल लगाने के साथ साज सज्जा की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे, जिला पूर्ति अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 6 ब्राह्मण पुरोहित एवं 1 मौलवी शादियां संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। 9 बजे से ही लाभार्थियों का आवागमन होगा। 12 बजे मांगलिक अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2017 में पहली बार सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कराई थी। इस योजना का उद्देश्य शादियों में अनावश्यक प्रदर्शन और फिजूल खर्ची को खत्म करने के साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों के ऐसे विवाह की व्यवस्था करना है जिसमें जिले के VIP जुटे हों। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति लाभार्थी 51,000 रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 35,000 लाभार्थी कन्या के खाते में, 10,000 का सामान और 6,000 रुपये प्रति लाभार्थी आयोजन पर खर्च होगा। सामान में वर और वधु के वस्त्र, साफा, चुनरी, चांदी के पायल बिछिया, टीन का बक्सा, बर्तन, प्रेशर कुकर आदि दिए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, दिव्यनाथ पार्क में कल 17 जून को 255 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा, जिसकी तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। जो जोड़े इसमें आएंगे उन सबों को 51,000 रुपये की धनराशि सब जोड़ करके उन पर खर्च होगा, जिसमें से 35,000 की धनराशि प्रति लाभार्थी कन्या के खाते में जाएंगे और 10,000 का सामान और 6,000 रुपया उनके लाभार्थी पर आयोजन विभाग के आयोजन पर खर्च होगा। इसकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। सारी तैयारियों को पूर्ण करा लिया गया। इस पूरे विवाह समारोह में 1,30,00,000 की धनराशि खर्च होगी और लगभग 255 जोड़े कल विवाह मंडप में सामूहिक विवाह में विवाह सूत्र में एक दूसरे से बन जाएंगे। इसके लिए सभी अधिकारी जो जिला समाज कल्याण अधिकारी CTO सर की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण अधिकारी और अन्य जो संबंधित अधिकारी सब इसके लिए जोर शोर से लगे हुए हैं।